हाय, मैं हूँ स्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर थाने और उसके आसपास के नॉन वेज स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी तरह एक फूड लवर हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ आज हम एक्सप्लोर करते हैं थाने का स्ट्रीट फूड। आज पहली जगह जो हम जा रहे हैं वो थाने के बिजीएस्ट रोड्स में से है और वो है सिडको बस स्टॉप, जहाँ लोकल ट्रेन से लेकर बीएसटी बसेस सब आपको एक साथ दिख जाएगा। और इनके बीच है एक छोटा सा स्ट्रीट फूड जॉइंट, जहाँ मिलती है एक बहुत ही यूनिक डिश। तो सबसे पहले हम आए हैं काटसू पट्टा। काटसू एक्चुअली ना एक जापनीज स्ट्रीट फूड है जो पहली बार थाने में इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे काटसू ना आपको ज्यादातर जापनीज रेस्टोरेंट में, हाई एंड रेस्टोरेंट में मिलेगा, लेकिन यहाँ थाने में स्ट्रीट फूड की तरह इसे सर्व किया जा रहा है। तो ये एक यूनिक चीज कर रहे हैं थाने वाले। जो भी है, तो आपने देखा काटसू को बनते हुए, काफी इंटरेस्टिंग था। तो काटसू बेसिकली फ्राइड चिकन होता है। चिकन को एक अलग मसाले में लोग मैरिनेट करते हैं और ब्रेड क्रम्स के साथ इसको फिर फ्राई करते हैं। तो इनका जो मसाला है ये इनका खुद का है, कुछ फ्यूजन इन्होंने किया है, तो देसी मसालों के साथ में इसे फ्राई किया है। तो इसको सर्व किया है लेटस और ढेर सारे सॉसेस के साथ, जैसे चिपोतले सॉस था, आई थिंक मेयो भी था इसमें, तो मुझसे रुका नहीं जा रहा। तो ट्राई करते हैं ये चिपोतले काटसू। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। एक बाइट पे आप रुकोगे नहीं। जैसे मैंने फर्स्ट बाइट लिया ना, मेरे मुंह में टेस्ट एक्सप्लोजन हुआ है। चिकन जो है ना, अंदर से बहुत अच्छे से इन्होंने पकाया है और बाहर का जो ये लेयर है ना, काफ़ी क्रिस्पी है। ब्रेड क्रम्स की वजह से एक क्रिस्पी टेक्सचर आता है इसमें, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और इस चिपोतले सॉस के साथ में ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे केएफसी का फ्राइड चिकन होता है ना, वैसा ही है, लेकिन उसका बेटर वर्जन मैं बोलूँगी। इसमें थोड़ा सा देसी तड़का डाला है इन्होंने, जो मसाले हैं वो थोड़ा देसी स्टाइल है। तो मुझे ये काटसू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं रेकमेंड करूँगी आपको कि अगर आप खाने आए हो सिडको बस स्टॉप के पास, तो ये काटसू कट्टा आप ज़रूर आइएगा। तो ये बहुत ही यूनिक डिश है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, यू विल लव इट। वेरी गुड। तो मुझे इनका काटसू चिकन इतना पसंद आया तो मैंने सोचा कि कुछ और भी ट्राई करते हैं, तो इसलिए मैं अब ट्राई कर रही हूँ क्रैब लॉलीपॉप। तो कुछ ऐसा दिखता है ये। तो ये बेसिकली क्रैब मीट ही है, जिसको आई डोंट नो कौन से मसालों में मैरिनेट किया है, फिर इसको डीप फ्राई किया है ब्रेड क्रम्स के साथ में। इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है दिखने से, और इसको इन्होंने सर्व किया है, ये चिपोतले सॉस ही होगा मुझे लगता है। खाकर देखती हूँ, बताती हूँ आपको कि कैसा है ये क्रैब लॉलीपॉप। को डुबा दिया जाए अच्छे से, गर्मा गर्म। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। ना, मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं क्रैब खा रही हूँ एज स्ट्रीट फूड थाने में। थाने में कुछ भी पॉसिबल है, बट ये डिश बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा है, बट मुझे वो काटसू जो था ना वो ज़्यादा पसंद आया इससे। क्रैब लवर्स को ट्राई करना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा।
अब मैं आई हूँ नेट्रिक जॉइंट, जो कि बहुत फेमस है थाने में अपने शवरमास के लिए, अपने पिज्ज़ास के लिए, अपने मोमोज के लिए, और इनके कई सारे आउटलेट्स हैं इन एंड अराउंड मुंबई। तो मैं थाने वाले में आई हूँ, तो यहाँ पे आपको कई तरह के शवरमास मिल जाएंगे, पिज्ज़ास मिल जाएंगे, मोमोज मिल जाएंगे, बर्गर्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ना सब कुछ मंगाना था, तो इसलिए मैंने पार्टी प्लेटर मंगाया। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रेंच फ्राइज, जो कि पूरी तरह से ऐसे कवर किया हुआ है सॉस, और पता नहीं ये मेयो है या मस्टर्ड सॉस है, पता नहीं मुझे। साथ में आपको दो फ्राइड मोमोज मिल जाएंगे, चिकन मोमोज, और ये है चिकन बर्गर। साथ में आपको मिलेगा चिकन शवरमा। डिज़र्ट में आपको मिलेगा ये चॉकलेट ब्राउनी, उसके ऊपर डाला है वनीला आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस डाला हुआ है, और साथ में आपको मिलेगा स्प्राइट, जिसको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे तो उसके लिए। तो मुझे नहीं लगता किसी अकेले इंसान से ये प्लेटर ख़त्म किया जाएगा, इसको फिनिश करने के लिए दो तीन फ्रेंड्स की ज़रूरत है। तो दो तीन लोग जब आप लोग आओगे तो आप लोग ये पार्टी प्लेटर ज़रूर ट्राई करना। मैं कोशिश करती हूँ अकेले ट्राई करने की। शुरुआत करती हूँ मैं ये शवरमा के साथ। मैं पहले इसको शवरमा बोलती थी, मुझे किसी ने फिर करेक्ट किया कि शवरमा नहीं होता, ये शवरमा होता है। तो खाते हैं ये चिकन शवरमा। Let's take the first bite. पता है मुझे ना इस तरह का शवरमा ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें मेयो जो होता है भर के नहीं डाला जाता। इसमें जो भी मेयो डाला गया एकदम परफेक्ट अमाउंट में डाला गया है, जिस वजह से आपको ना चिकन का जो रोस्टेड चिकन का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छे से आएगा, मसालों का टेस्ट आपको अच्छे से मिलेगा, नहीं तो मेयोनीज जो पूरी तरह से ओवर पावर कर देता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह का शवरमा मेरे को पसंद है, और ये बिल्कुल वैसा ही है, परफेक्ट है ये। तो अभी ट्राई करते हैं चिकन बर्गर। तो ये चिकन की पैटी तो आपको दिख ही रही होगी, और मेयो है, लेटस है इसमें, और कुछ केचप है शायद, इसको भी खाते हैं। हल्का फुल्का बर्गर खाने का मन करे ना तो ये खा सकते हैं। क्रिस्पी है अच्छा इसका टेक्सचर। ये मोमो खाते हैं। तो ये मोमो खाने के लिए साथ में ये चटनी भी है। चटनी उसकी बहुत मस्त है ना, मोमो खाने के लिए सही चटनी मिलना बहुत जरूरी होती है। ये चटनी बहुत अच्छी है। वेरी गुड। तो अब हम आए हैं थाने के अगले स्टॉप कलवा में, और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है फास्ट एंड फूडियस, और ये जगह काफ़ी फेमस है अपने तंदूरी, अपने चाइनीज और शवरमा के लिए। लेकिन यहाँ पर ना एक हटके से डिश है जो मैं ट्राई करने वाली हूँ, और वो है क्रिस्पी चिकन सैलेड। तो कुछ अलग सा है, देखते हैं कैसा है टेस्ट। आपने इससे पहले चिकन क्रिस्पी रेस्टोरेंट में तो खाया ही होगा स्टार्टर की तरह, लेकिन यहाँ कलवा में फास्ट एंड फूडियस रेस्टोरेंट में आपको चिकन क्रिस्पी मिलेगा सैलेड की तरह। तो ये है वो डिश, चिकन क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल सैलेड, जो कि दिखने में बहुत बहुत ज़्यादा एपेटाइजिंग लग रहा है। आपने देखी इसकी मेकिंग, मुँह से पानी आ रहा है मेरे, कांट वेट टू ट्राई। तो ये चिकन क्रिस्पी को इन्होंने कवर किया है बहुत सारे वेजीज के साथ, और नीचे आपने लेटस भी देखा। तो वेजिटेबल्स के साथ में क्रिस्पी चिकन कभी खाया नहीं है, आज देखते हैं कैसा लगता है इसका टेस्ट। और इसको ऊपर से गार्निशिंग की है बीटरूट और ठीक है शिमला मिर्च, प्याज, सब कुछ है। तो ट्राई करके देखते हैं कैसा है ये।
क्रिस्पी चिकन कभी इस स्टाइल में मैंने खाया नहीं है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे अच्छे चाइनीज सॉस डाल के बहुत ही चटपटा सा बनाया है, तो बहुत मज़ेदार है। और मेयो और वेजीज के साथ में ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो कभी कुछ अलग स्टाइल से आपको क्रिस्पी चिकन खाना है ना, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ की शवरमास बहुत पॉपुलर हैं और इसकी ये फिलिंग देखकर ये बात पूरी तरह कंफर्म हो जाती है। तो और कुछ करूँ ना करूँ, पर अगली बार मैं यहाँ का शवरमा जरूर ट्राई करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हो तो आपको पता चल गया होगा कि हमेशा मैं किसी भी फूड जर्नी को ख़त्म करती हूँ मीठे के साथ। तो उसी तरह आज भी इस थाने फूड जर्नी को मैं ख़त्म करने वाली हूँ वॉफल के साथ में। तो इसलिए मैं आई हूँ थाने के वसंत विहार एरिया में, और यहाँ पर एक जगह, एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है मारियो डोनट्स एंड वॉफल्स, और ये जगह बहुत फेमस है अपने वॉफल्स के लिए। तो जब भी मेरा मन करता है ना मीठा खाने का रात को, तो मैं यहाँ पर आती हूँ। और मैंने इतनी जगह पे वॉफल्स खाए हैं, लेकिन मुझे यहाँ का वॉफल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी स्टफिंग जो होती है ना, ये लोग भर के डालते हैं, और जो वॉफल का जो टेक्स्चर है ना, ज़्यादा सॉगी नहीं होता, वो हमेशा एकदम परफेक्ट रहता है। तो हमेशा मैं यहाँ पर आना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ का वॉफल कैसा है। तो मैंने ऑर्डर किया है न्यूटेला पॉकेट वॉफल। इसे स्टिक में भी मिलता है, लेकिन मुझे ऐसे पॉकेट स्टाइल में ज़्यादा पसंद है। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो ये न्यूटेला है फुल बाहर आ रहा है, मतलब ओवरलोड हो गया है। तो खाते हैं इसको, लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। तो मेरे चेहरे पर ये जो खुशी आपको देख रहे, इससे आपको पता चल गया होगा कि मुझे ये वॉफल कितना पसंद आया। तो ये जो वॉफल है, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर इसके मोल्टन न्यूटेला है, इसकी वजह से ये दोनों ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब भी आपका वसंत विहार आना हुआ ना, और मीठा खाने का मन करे, वॉफल खाने का मन करे, तो मारियो डोनट्स एंड वॉफल ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरी गारंटी है। और इसी के साथ ख़त्म होता है थाने फूड का हमारा ये ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल अर्बन लेडी को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए घूमो, खाओ, मुस्कुराओ। बाय।